Good morning, students. Today we will start our English subject. English Standard 5th. Okay? Page number 7. Unit 2. Friendship. तो बच्चों आज हम friendship के बारे में सीखेंगे. फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए. ओके, तो फ्रेंडशिप, व्हाट इज मीन बाय फ्रेंडशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप मीन्स बिलीविंग इन समवन एल्स एंड सपोर्टिंग देम थ्रू द हैप्पी एंड सैड टाइम. तो फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए. फ्रेंड्स के प्रति हमें ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए. हम उनके ऊपर बहुत विश्वास करना चाहिए. हमेशा विश्वास के साथ हमें फ्रेंडशिप निभाना चाहिए. तो और हमें क्या करना चाहिए, और उनको हम उनके हर एक खुशी में, हर एक दुख के टाइम पे या खुशी के टाइम में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. नॉट ओनली इन हैप्पी टाइम बट ऑल्सो ऑन सैड टाइम. सैड टाइम में भी हमें दुख, जब वो दुखी होते हैं, जब भी उनके उनको कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई वो एंग्री होता है या खुशी हो, दुख होता है उसको, या जो भी उसका दुख का टाइम होता है, सैडनेस का टाइम होता है या हैप्पीनेस के टाइम पे, हमें उन हमें क्या करना चाहिए, उनके हमेशा उनका साथ देना चाहिए. तो इसको बोलते हैं ट्रू फ्रेंडशिप, है ना. तो आज हम एक्टिविटी 1 प्री टास्क. देर आर मैनी पोएम्स एंड स्टोरीज ऑन द वर्चू ऑफ फ्रेंडशिप. वर्चू मतलब सद्गुण, है ना. वर्चू मीन्स सद्गुण, जो अच्छे विचार होते, सदाचार होते, उसको वर्चू बोलते. ओके, तो देर आर मैनी पोएम्स, बहुत सारे पोएम्स एंड स्टोरीज हमने फ्रेंडशिप के बारे में, अच्छे फ्रेंडशिप के बारे में, उनके फ्रेंडशिप के अच्छे गुण के बारे में हमने देखा. फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. फ्रेंडशिप क्या होता है, दैट मेक्स इवन अ पुअर पर्सन रिच एंड अ सैड पर्सन हैप्पी. फ्रेंडशिप कैसा होता है, फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जो जो गरीब इंसानों को, गरीब इंसान को अमीर बना सकता है एंड सैड पर्सन हैप्पी हो सकता है. सैड इंसान, दुखी इंसान को खुश कर सकता है. फ्रेंडशिप ऐसी एक चीज है. ओके, रीड एंड एन्जॉय फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप. तो आज हमें ये पोएम रीड करना है और एन्जॉय भी करना है. ओके, सो द एरो एंड द सॉन्ग. ओके, दिस पोएम इज रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. ओके, तो ही इज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. ही इज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट. ओके, एंड ही इज मोस्ट पॉपुलर इन अमेरिका, नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरे देश में इनका ये इनके जो पोएम्स हैं वो बहुत फेमस होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ हिज पोएम. लेट स्टार्ट द एरो एंड द सॉन्ग. द एरो एंड द सॉन्ग. तो ये एरो एंड द सॉन्ग, ये दो पर्सन्स की कंपैरिजन में ये नाम दिया गया है. मीन्स एरो, एरो मीन्स अनकाइंडनेस. ओके, हार्श वर्ड्स होते हैं, अनकाइंडनेस होता है. तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो हार्श वर्ड्स बोलने वाले होते हैं, अनकाइंड वर्ड्स बोलने वाले होते. एंड द सॉन्ग मीन्स, सॉन्ग इज रिप्रेजेंट फॉर गुड थिंग्स, गुड थॉट्स, काइंड वर्ड्स एक्सेट्रा. तो हमारे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. तो ये दो तरह के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो एंड द सॉन्ग. एरो मीन्स अनकाइंड वर्ड्स एंड सॉन्ग्स मीन्स काइंड वर्ड्स. ओके, तो आज हम सीखेंगे द एरो एंड द सॉन्ग.
I shot an arrow into the air. Shot means मैंने शूट किया. क्या? Arrow means एक तीर मैंने हवे में छोड़ा. Into the air. Air. Okay, हवे में मैंने एक तीर छोड़ा. It fell to the earth. I knew not where. वो धरती पे जा गिरा. I knew not where. मुझे पता नहीं कहाँ गया. Okay. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Means swiftly. Swiftly मतलब so speedly. Okay. बहुत ज़्यादा speed में हो गया. It flew, the sight could not follow in its flight. Means इतना speed में वो तीर उड़ा जो sight means दृष्टि, हमारे आँखों का दृष्टि, could not follow in its flight. इतना स्पीडली वो तीर उड़ा कि मेरे आँखों के सामने ओझल हो गया. वो मुझे दिखाई भी नहीं गया. इतना वो फ्लाइट के जैसा फ्लू हो गया. इतना स्पीड से वो ओझल हो गया कि मेरे दृष्टि को भी वो दिखाई नहीं दिया. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट. I breathed a song into the air. Just like this, जैसे उसने तीर छोड़ा यहाँ पे हवे में, उसी तरह से second stanza में I breathed a song into the air. मैंने एक गाना गाया हवे में. Means मैंने खुले आसमान में एक गाना गाया. It fell to the earth. वो भी धरती पे जा गिरा. I knew not where. मुझे पता नहीं कहाँ गया. Okay. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Means किसका इतनी सुंदर, means इतना keen, means इतना speed और strong उनकी दृष्टि है जो मेरे इस song को follow कर सके. मेरा जो song इतना speed में गया, उसका flight के जैसा वो उड़ गया, उसको कौन ढूंढ सकता है, कौन फॉलो कर सकता है मेरे गाने को जो इतना स्पीड में वो हवे में उड़ गया फ्लाइट के जैसा. तो किसकी इतनी दृष्टि, स्किन, स्पीड एंड स्ट्रांग है जो मेरे गाने को फॉलो कर पाए, ऐसा वो पोएट गा रहा है यहाँ पे. ओके. तो फर्स्ट वाले स्टैंजा में उसने एरो, तीर छोड़ा था हवे में, वो धरती पे जा गिरा बट पता नहीं वो कहाँ गया. तो ये तीर भी वेरी स्पीडली, मीन्स वेरी स्पीडली वो उड़ा था. ओके. वो भी उनके दृष्टि में दिखा नहीं कि वो तीर कहाँ जा गिरा. और यहाँ पे उसने सॉन्ग गाया हवे में, और वो भी बहुत स्पीड में था, और वो भी उसके दृष्टि में दिखाई नहीं दिया कि वो फ्लाइट के जैसा कहाँ कैसे उड़ गया. ओके. थर्ड स्टैंजा. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन. बहुत बहुत दिन के बाद इन एन ओक. ओक मीन्स एक पेड़ होता है. हिंदी में उसको बलूत का पेड़ या बांज का पेड़ बोला जाता है. ओके. तो उस पेड़ में वो एरो उसको मिला. आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन. वो तीर उसको कहाँ पे मिला? ओक के पेड़ में. स्टिल अनब्रोकन, वो अभी तक टूटा नहीं था, अनब्रोकन था. ओके. एंड सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. और जो मैंने गाना गाया था शुरुआत से लेके एंड तलक, आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. और वो उन्होंने जो गाना गाया था वो गाना कहाँ पे था? उनके फ्रेंड्स के हार्ट में था. मीन्स उनके फ्रेंड्स के, दोस्तों के हृदय में वो जाके गिरा था. और उन्होंने वो बिगनिंग से एंड तलक का वो गाना उन्होंने स्थिर था. वो बिगनिंग से एंड तलक वो गाना उनके फ्रेंड्स के हृदय में था. तो ये सॉन्ग क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो पोयम है रिप्रेजेंट करता है गुड थिंग्स और बैड थिंग्स को. तो हमेशा फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए? फ्रेंडशिप होना चाहिए वेरी सॉफ्टली, मीन्स वेरी
मीन्स गुड थिंग्स उसमें रहना चाहिए, बैड थिंग्स नहीं रहना चाहिए. हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स के प्रति अच्छे विचार, अच्छे गुण रखना चाहिए. उनके प्रति हमें हमेशा विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और हमेशा काइंड वर्ड्स यूज़ करना चाहिए. तीर के जैसा अनकाइंड वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. तो सॉन्ग के जैसे काइंड वर्ड्स जो हमेशा हृदय में बस सके, जो दोस्ती हमेशा हृदय में बस सके, बसना होना चाहिए, वो हमेशा हृदय में हमारा दोस्त हमेशा रहना चाहिए. तो हमें सॉन्ग के जैसे काइंड वर्ड्स हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए. ओके, तो ये सॉन्ग आपको, ये पोएम आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, इस पोएम को अच्छा राइटिंग में, गुड राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में आपको अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है. ओके, एंड रीड करना है और समझना है. आपको ये वीडियो अगर आप अगेन एंड अगेन प्ले करके आप सुनोगे, लिसन केयरफुली, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी इजीली. थैंक यू.